मैं मतलब हाँ 1 या 2 घंटे ही होंगे जब फर्स्ट डे हम यहाँ आए थे, और मैं ऐसे हो गई कि यार लोग कहाँ हैं, प्लीज एक साथ नहीं रह सकते क्या आप लोग, मेरे पैर दुख गए क्योंकि 2 पार्क हैं यहाँ पे, पता ही नहीं चलता अगर मैं इस पार्क से दूसरे पार्क में आवाज मारूं तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। कभी कभी तो मुझे लगता है यहाँ पे माइक के अरेंजमेंट होने चाहिए थे। और जो ये वाली साइड है ना, दूसरी साइड पार्क की, वो मेरी फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इधर स्विंग्स हैं, झूले हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। स्टार्टिंग में भी जैसे मैं आई थी, मैंने कुछ नहीं देखा अंदर से कैसा है, मैंने कहा सबसे पहले तो यही देखते हैं। ये इन्होंने सारे पैक कर दिए हैं, ऑल्दो वो वाली लाइन हमने सारी खोल दी फिर से, क्योंकि हमने कहा नहीं नहीं अभी इसको बांधो मत, अभी हम झूलेंगे। नहीं तो ये हमेशा ऐसे ही करते थे पैक, की दूसरे वाला जो भी मेयर साहब आएंगे उनके अगर बच्चे होंगे खेलने कूदने वाले तो झूल सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। ये फाउंटेन जब कभी चलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर। हमसे जो पहले मेयर थे उन्होंने यहाँ पे बतखें भी रखवाई थी, तो फिर वो शाम को यहाँ पे अपनी बतख खोल देते थे और फिर पूरे पानी में वो तैरते थे। और ये घर मतलब लोग जब भी कभी मेयर हाउस आते थे वो इस घर की हिस्ट्री पूछते जरूर थे कि यार ये घर किसका। सबसे प्यारा पार्ट और जहाँ पे मतलब फुल रिलैक्सेशन मिलते हैं ना, दैट्स ट्रू, यही है। और इस पार्क की एक और खास बात ये है कि इस पार्क में हमारी मम्मी ने बहुत मेहनत करी, उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है। ऑल्दो यहाँ पे हमारे एक ऑफिशियल माली भी है, बट स्टिल मम्मी ने खुद, आप वो लाइन देखेंगे ना अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके अंदर मम्मी ने भिंडी उगाई है, घिया, टमाटर, बैंगन, और क्या बोलते हैं लेमन। यहाँ के जो माली थी ना वो भी कहते थे कि मैडम आप क्यों कर रहे हो, हमें बता दीजिए हम करेंगे। मम्मी कहती नहीं तुम्हारे हाथ में वो उगेंगे नहीं बीज। जो ये वाला सारा एरिया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला सारा माली ने कहा कि यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो बहुत ही अच्छी, तो आप यहाँ उगा सकते हो। तो फिर मम्मी ने इसी को अपना चांस समझा। आई थिंक ये सीताफल का है, सीताफल नहीं है मुझे नहीं याद, घिया दीदी, दिस इज घिया, सीताफल नहीं है। ये सारी जो बेल देख रहे हैं घिया की है, अंदर बहुत छोटे छोटे, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती, अंधेरा हो रहा है। हाँ भिंडी भी है यहाँ पे, देखो अभी ये नए नए उग रहे हैं। मम्मी ने तो बोला भी है यहाँ पे यादव अंकल को कि जैसी कोई उगे तो ले लेना। यहाँ पे सारे जो अंदर भी उगते हैं ना, क्या कौन से प्लांट्स होते दीदी जो अंदर उगते हैं, जिनको जैसे एक तो ऊपर उगते हैं एक अंदर उगते हैं, उनको क्या कहते हैं, रूटेड प्लांट्स। हाँ अगर हम गलत हो तो बता देना प्लीज, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर देखो भिंडियाँ भी उग रही हैं, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मम्मी होती तो मुझे इतने पास जाने नहीं देती, क्योंकि शाम के टाइम पर जाते नहीं है क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट ये देखो भिंडी, मतलब इनको देख कर जो खुशी मिलती है ना कि हाँ हमने इतनी मेहनत करी और ये उग रही और हम खाएंगे इनको। Nice. इतने पूरे दिन इंतजार करने के बाद पापा हमारे पधार चुके हैं। हेलो पापा, हाउडी डू, आ जा, बहुत इंतजार करवाया आपने हमें, पर अब आप आ चुके हैं तो चलो हम मोमेंटो, आपके सारे मोमेंटो वो इकट्ठे कर रहे थे, रख रहे थे। अभी ऐसा लग रहा है कि यार अभी कल परसों ही तो हमने सारे जज आए थे पूरे मजे से, सारा अच्छे अच्छे से रख रखा था, और अब आज हमें सारा का सारा कार्टन में भर के ले जाना पड़ रहा है। बट ये एक्चुअली लाइफ है कि आपके पास कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ हमेशा के लिए रहेगी तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। अब जैसे अब ये जा रहा है मेयर हाउस, अब हम यहाँ से अपने घर वापस जा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि वाह यार यहाँ पर बिताया हुआ हमारा 1 साल कितना औसम था। कहाँ सुबह तक ये सारा का सारा भरा हुआ था, कहाँ हमें सिर्फ 2 मिनट लगे इस
पूरे कार्टन को भरने में। और अब हम पापा से कुछ गपशप करने जा रहे हैं, तो फिर पापा ऐसे तो बातें करेंगे नहीं हमसे। पापा का कुछ चाहिए अपनी चाय पे चर्चा करने के लिए। तो पापा जी लीजिए आपके लिए पहले तो चाय। धन्यवाद जी बेटा जी। हाजिर। तो पापा कल तक का दिन और है, फिर 16 को जो हमारे न्यू मेयर बनेंगे उनकी ओन सेरेमनी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एक अच्छा आपके एक सफल कार्यकाल के लिए, और जहाँ तक हमें पता है आपने एमसीडी को नॉर्थ एमसीडी को बहुत ऊँचाई तक पहुँचाया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो आपका एक साल था एनडीएमसी में वो कैसा रहा? ये एक वर्ष का कार्यकाल बड़ा ही चुनौती भरा था, लेकिन इसे एक साल ने सिखाया भी बहुत, क्योंकि इस एक वर्ष के अंदर दो बार कोविड की लहर आई। पहली लहर भी हमने देखी, दूसरी लहर भी हमने देखी। पहली लहर से भी हमने कुछ सीखा, दूसरी लहर से भी हमने सीखा। चुनौतियों से पार कैसे पाया जाता है, और जब परिस्थितियाँ अनुकूल ना हों उस समय आप अपने संस्था को कैसे चलाते हो, ये हमने साबित करके दिखाया। एक वर्ष के अंदर जहां हम आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, वहीं एक वर्ष में पहली बार दिल्ली के तीनों महापौर अपने 30 पार्षदों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर 13 दिन तक हमने धरना भी दिया। वो धरने के पीछे भाव हमारा ये नहीं था कि हमें राजनीति करनी है, उसके पीछे भाव ये था कि दिल्ली की सरकार ने जो 13,000 करोड़ रुपया निगमों को रोका हुआ है वो हमें समय पर मिले, ताकि हम जनता की सेवा कर सकें, विकास कार्य कर सकें। अगर दिल्ली में सिविक बॉडी ना हो तो लोगों को सेवाएं नहीं मिल सकती। जैसे सिविक बॉडी हैं जो सबसे पहले हमारे उठने से पहले झाड़ू लगाती है, शहर को साफ करती हैं, सैनिटाइज करती हैं, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया की लड़ाई को लड़ती है, प्राथमिक शिक्षा देती हैं, हमारे अनेक अस्पताल डिस्पेंसरी पॉलीक्लिनिक्स में गरीबों का इलाज होता है। ऐसे अनेक कार्य जो नगर निगम के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार ने हमेशा नगर निगम को कुचलने का काम किया। सो नाउ वी आर हेडिंग टू द एंड। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने कर्मचारियों को, अपने मेयर हाउस के स्टाफ को और सभी टीचर्स को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जिनसे आपका सीधा संपर्क था और जो आपके जुरिस्डिक्शन में जितना एरिया था क्षेत्र था, आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहोगे एज अ बिडिंग मेयर? देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी सारी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक वर्ष कब बीता और हर परिस्थिति में हर चुनौती के समय में ये सब मेरे साथ रहे। मैं दिन देरी से आया, लेट आया, यहाँ कितने भी लोग आए, सबकी सेवा भाव मिलना जुलना, तो चाहे मेरा मेयर हाउस था उसके सभी कर्मचारी थे, चाहे मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ, उसके अलावा मेरे नगर निगम के सभी HOD, सभी जोन के DC, सभी एडिशनल कमिश्नर, सभी डायरेक्टर्स, और विशेषकर हम जिन 3-4 कमीशन के साथ मैंने काम किया उन सबका मुझे समय समय पर सहयोग मिला, और सब ने अच्छे से काम किया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सब ने हर परिस्थिति में साथ दिया। और कहीं मेरी मान ली, कहीं अपनी मनवा ली, तो मानना और मनवाना यही एक तालमेल के साथ काम होता है, तो अच्छे से हमने काम किया। और मैं अपने सभी कर्मचारी भाइयों को और साथियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कोविड काल है, कोविड का ध्यान रखें, प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें। इसके अलावा निगम में चुनौतियाँ बहुत हैं, उन चुनौतियों को सामने रख कर के कोई भी फैसले लें, और निगम ठीक से चले, लोगों की हम सेवा कर सकें, लोगों के लिए हम खड़े होकर रह सकें, और निगम से जो लोगों को अपेक्षा है उन पर हम खरा उतर सकें, और निगम की जो छवि हम लोगों ने सुधारने का प्रयास किया है जिसमें कुछ हद तक हमें सफलता भी मिली है, उसको और आगे बढ़ाने का अगर हमने काम किया, तो आने वाले समय में सब निगम को, निगम कर्मियों को एक अच्छी दृष्टि से देखेंगे। आओ हम सब मिलकर के एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए निगम का सहयोग करें और मिलकर के काम करें। गौर से देखिए इस लड़की को, हम अंदर पापा का इंटरव्यू ले रहे थे और ये यहाँ पे साइकिल चला रही थी। मुझे लगता पलक क्या कहते हैं, तूने भी मेयर हाउस में इस साइकिल का बहुत मजे लिए हैं, और मुझे लगता है कि तू जितनी पतली हुई है ना उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है इस साइकिल की भी है। देखो ये साइकिल वही लोग समझ सकते हैं। देखो पहले आप ये देखो, इस भाई जा रहे हैं, इनका हमेशा का यही टाइम रहता है रात का। भाई जा रहे हो क्या, क्या करोगे? रनिंग। इनको आप
स्कूटी पे लेके जा रहे हैं इनकी, भी रनिंग कराओ। ये देखना पेट निकल रहा है, पेट अंदर लेके आए। ओके बाय। देखो जी, जिसके पास अपनी साइकिल नहीं होती, अपना कुछ भी व्हीकल नहीं होता ना, वो मेरा दुख और इसकी खुशी समझ सकते हैं कि जिसकी कैसी कोई मिल जाती है ना, तो बस चला लो। चाहे 5 मिनट के लिए मिले, चाहे 10 मिनट के लिए मिले। तो मैंने इसलिए जब भी मैं जितनी बार भी यहाँ आई हूँ ना, चाहे स्कूटी मिले चाहे साइकिल मिले, मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी और चला लिया। पलक अब यही चलाती रहेगी क्या? घर नहीं जाना तुझे? जाने क्या कर? और क्या, ये हमारे प्यारे राजेश अंकल हैं, जिनके साथ मुझे लगता है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है और हम तो इनको बहुत मिस करेंगे। चलिए इनसे कुछ बात कर दे। नहीं नहीं कुछ। ये बहुत शर्मीले हैं गाइस। वैसे मास्क नहीं पहनते, अभी देखा कि फोन ब्लॉग बन रहा है तो मास्क पहन लिया। तो यहीं के साथ आज का हमारा दिन भी खत्म होता है और आज का ब्लॉग भी यहीं खत्म होता है। तो आपने देखा होगा हाईजैक, जैसा मैं आपको पहले बताई रही थी, इन्होंने करा है और आप देख भी सकते हो इन्होंने करा है। इन्होंने भाई, इन्होंने तो मुझे साइकिल चलाने के लिए भेज दिया कि चली चल तू साइड में हो जा। शी आज के ये सारी चीजें ब्रैकेट्स की होती है। ओके बाय।